भी ढूंढ ही रही थी, उन्हें ये नजर हमारी कि वो आ गए। हाय हाय हाय, आज तो बुरा हाल हो गया। पट्टी साहब और किथे गए सो? मार्केट तुमने तो भेजा था सौदा लेने, सौदा लेके आया। तो आराम से लेके आ जाते, पुलिस थोड़ी लगी हुई थी आपके पीछे जो इतना भाग के आ गए। और मैं चोर उचक्का हूँ जिसके पीछे पुलिस लगेगी? चलो ये तो हुआ ना चोर, ये उचक्का क्या होता है? चोर तो हुआ है? मतलब मैं चोर हूँ? नहीं पट्टी साहब, मैं तो चोर और उचक्के का फर्क पूछ रही हूँ। और समझो कि दोनों एक ही होते हैं। समझ गई पट्टी साहब मैं, जिसे शोर और खावत एक ही अजाब का नाम है। शोहर की नाफरमान, अल्लाह से डर। पट्टी साहब आप भी तो अल्लाह से डरे ना, पता नहीं किसने पहले चले जाना है। खुदा का खौफ करो, तुम्हें बेवा होने का बड़ा ही शौक है, इससे तो अच्छा मैं ही रंडवा हो जाऊं। अल्लाह ना करे। ये सारी रौनकें शौहर के दम से होती हैं। नहीं पट्टी साहब, ये मेरा शौक नहीं है, ये मैं आपकी सेहत देख के ना अंदाजा लगा रही थी। हाँ वैसे आलिया, अब ना मेरी सांस भी फूलने लगी। ओ तुहाडी साह की, तुसी आप ही खुद पूरे तो पूरे फूले हुए हो। ले भी मैं फूला हुआ हूँ, तुम जैसे बहुत स्मार्ट हो। तुहाडे जैसा बनना मेरी मजबूरी है, मैं क्या कर सकती। क्या मजबूरी है भाई? देखिए मैं स्मार्ट होगी ना तो आप मेरे साथ खड़े मेरे अब्बा जी लगेंगे। ओए सोच समझ के बात किया कर। आपका क्या मतलब है कि आप मेरे दादाजी लगेंगे? ओ खुदा के लिए चुप हो जा। मुझे तो आप चुप करा देंगे, मगर लोगों को कौन चुप कराएगा? कौन लोग? वो जो मुझे और आपको दादा पोती समझेंगे। ओ मेरे खुदाया। ओ पट्टी साहब ना परेशान हो, मैं स्मार्ट नहीं होऊंगी। चल ठीक है, ये जरा मेरी पिनियां दबाओ, बहुत थक गई हैं। जरा बीबी ये बताएं, अलादीन का चिराग क्या होता है? कि तुझे बैठे बिठाए अलादीन के चिराग की क्यों सूझी? एवी डीडी हर वक्त कहता रहता है कि तेरे हाथ ना कोई अलादीन का चिराग है जो साहब जी तेरे पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। बकवास करता है वो डीडी, घटिया आदमी। हाँ जी मुझे पता है जी, साहब जी के तो दुम ही नहीं है। रेशमा फजूल बातें मत करो। अच्छा जारा बीबी ये तो बताएं, अलादीन का चिराग होता क्या है? भाई सुना तो ये है कि जिसके हाथ अलादीन का चिराग लग जाए ना, उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। अब वो कैसे? कहते हैं चिराग रगड़ने से जिन हाजिर हो जाता है, और फिर वो वही करता है जो आप उसे कहते हैं। अच्छा जी, अगर आपके हाथ को चिराग लग जाए तो आप उसे क्या काम लेंगी? मैं उसे तीन काम कहूंगी। कौन से? मैं दुनिया की सबसे हसीन लड़की बन जाऊँ। अच्छा जिन ऐसा कर देगा? हाँ हाँ, जिन में इतनी ताकत होती है तो मैं पता है पलक झपकते ये काम कर देगा। अच्छा तो आप जिन से बाकी दो काम कौन से कहेंगी? भाई किसी खूबसूरत और बहुत ही अमीर लड़के से मेरी शादी करवा दे। जारा बीबी आप तो बेचारे जिन को आजमाइश में डाल देंगी। नहीं पागल, जिन कुछ भी कर सकता है। अच्छा रेशमा एक बात बता, अगर तुझे जिन मिले तो तू उससे कौन से काम कहेगी? मैं भी ना उसे तीन ही काम कहूंगी। कौन से? मैं भी उसे ये कहूंगी कि मेरी जगह वो मेरे घर के सारे काम कर दे। वाओ, और बाकी दो काम? बाकी भी दो काम यही कह दूंगी। रेशमा तेरे हाथ अलादीन का चिराग तो लगने वाला नहीं है, तो तू जाके अपने काम कर लेना, यहाँ टाइम बर्बाद मत कर। जाना। जाती हूँ। जा भी पागल। पट्टी साहब कहाँ जा रहे हैं, किधर की तैयारी है? मैंने कहा की तैयारी करनी है। ओ पट्टी साहब आप भी बस आगे जाने की तैयारी करें, सब नहीं जान रहे। ओए अब क्यों डरा रहा है डीडी? मैं पहले डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। हैं फिर फूड पॉइजनिंग हो गई? नहीं नहीं, मैं ना थोड़ा सा चलता हूँ ना डीडी तो सांस फूलने लगती है। पट्टी साहब और आप दूसरों का हक खाएं, ये तो होना ही था। खुदा ना खास्ता तेरा इशारा कहीं अपनी तनख्वाह की तरफ तो नहीं है? अगर मैं कहूँ हाँ तो फिर तुमने ये 9 नंबर का जूता देखा मेरे पाँव में? एहसान फरामोश, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने तेरी ड्यूटी एक ऐसे अजीम इंसान के साथ लगाई है जिसकी तू खिदमत कर रहा है। उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग तरसते हैं और लाइनों में लगे होते हैं। पर जब आप तो गुस्सा ही कर गए, मैं अपनी तनख्वाह की बात नहीं कर रहा था। तो फिर ये बताओ मैंने किसका हक खाया? पर साहब आप और बेगम साहिबा एक दिन में जितनी ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में भर लेते हैं ना, उससे कम से कम 100 बंदा जो है ना एक हफ्ता गुजार सकता है। 5 रुपए वाले गुब्बारे को 150 रुपए वाले गुब्बारे के साथ मिला रहा है, और तू होता कौन है हमसे ऑक्सीजन का हिसाब लेने वाला? मैं उन्हीं मुतासरीन में शामिल हूँ जिनका आप हक खा रहे हैं। अच्छा वाह भाई वाह, और तुझ पे यहाँ इतना जुल्म हो रहा है तो तू यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाता? ऐसे कैसे चला जाऊँ अपनी तनख्वाह छोड़कर? क्या कहा? ओ पट्टी साहब ऐसे कैसे चला जाऊँ आपको इस तरह बीमार छोड़कर? और मेरी फिक्र ना कर, मैं डॉक्टर से दवाई ले आऊंगा। आपका इलाज डॉक्टर के पास नहीं, हकीम तंदुरुस्ती के पास है। ये कौन है वे? पट्टी साहब ये मेरा जानने वाला बहुत अच्छा हकीम है। तो फिर इसके पास तो बहुत नादिर और नायाब नुस्खे भी होंगे। पट्टी साहब मुजर्रब और आजमाए हुए,
तुझ पे आजमाए थे? और नहीं नहीं पटी साहब, लेकिन एक बात है, जब भी मैंने किसी को इनसे दवा दिलवाई ना, उसको जरूर शिफा हुई है। डीडी जल्दी जा, उस हकीम को बुला के ले आ। और ठीक है पटी, दौड़ जा। या अल्लाह, इसके हाथ में शिफा हो। ਵਿਚੋ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਤੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਨਸੇ ਪੂਛ ਕੇ ਦੇਖਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਿਤਨਾ ਸੋਚਤੇ ਹੈਂ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੁਝੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਿਆ, ਮੁਝੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਮੇਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੱਚੇ ਹੋਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੋ ਹੀ ਅੱਛੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਂਗੇ ਤੋ ਉਨਮੇਂ ਦੋ ਤੋ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲ ਆਏਂਗੇ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ, ਮੁਝੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਮ ਤੋ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਨਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੈਂ। ਯੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਯਾ ਰੰਡਵਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੁੱਢਾ ਔਰ ਰੰਡਵਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੂੰਢ ਲੈਣਾ। ਤੁਮਾਰੀ ਮਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੂਸਰਾ ਢੂੰਢ ਲੂੰ। ਜਾਏ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹਤੀ। ਭਾਵੀ ਫਸਾਦ ਕੀ ਚਾਬੀ, ਜੈਸੀ ਸ਼ਕਲ ਵੈਸੀ ਅਕਲ, ਜਬੀ ਤੋ ਮੈਂ ਕਹਤੀ ਹੂੰ ਨੰਦ ਗਲੀ ਕਾ ਗੰਦ। ਭਾਵੀ ਫਸਾਦ ਕੀ ਚਾਬੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਨੰਦ ਗਲੀ ਕਾ ਗੰਦ ਦਬਾ ਹੋ ਜਾ ਯਹਾਂ ਸੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਐਸਾ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਖਾ ਲੇ। ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਆ ਕੇ ਮੁਝੇ ਬਾਤੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ? आहा, क्या कर रही हो आलिया? ये क्या है? बट्टी साहब, आप डॉक्टर के पास नहीं गए? और नहीं नहीं, अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हाय, मैं मर गई बट्टी साहब, क्या सब ने जवाब दे दिया? मेरा कहा सुना, माफ करना बट्टी साहब। ओए मनहूस बातें ही सोची, जब भी सोचेंगी ना मनहूस बातें ही सोची। ओए अब डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं, अब मैं हकीम से अपना इलाज कराऊंगा। और रहन दे पट्टी साहब, तारीख गवाह है कि जब भी तुसे हकीम दे दवाई खादी है ना, तुसी मायूस ही होए। ओ ये बड़ा अच्छा हकीम है, इसके पास ना बड़े मुजर्रब नुस्खे हैं। मुजर्रब? ये मुजर्रब नुस्खे क्या होते हैं? मुजर्रब नुस्खे का मतलब है कि 100% फायदा देते हैं। फिर छेती ले लो पट्टी साहब दवाई। हाँ तुम सही कह रही हो। ओ डीडी गया हकीम साहब को लेने, बस थोड़ी देर में तशरीफ ले आते ही होंगे। शुक्र है, इतने अरसे बाद तुहानू मेरा ख्याल आ ही गया। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हर वक्त मेरे गोडे गिट्टो में दर्द रहता ना, हकीम साहब आएगा ना, मैं भी इलाज कराऊंगी। वैसे मेरा ख्याल है कि हकीम साहब की दवाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पट्टी साहब, ऐ तो बड़ी चंगी गल है कि दवाई का कोई साइड इफेक्ट ही नहीं। पट्टी साहब, ओ पट्टी साहब, ओ पट्टी साहब, हकीम साहब आ गए। मैं अपनी नबज दिखाऊंगी। पहले बैठी रहो, पहले मैं अपनी नबज दिखाऊंगा। आया, पहले तुसी सब कुछ काम कर लिया करो, मुनु ना मुखान देना नबज। आहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहु। भाई वैसे हमारा पूरा नाम है हकीम तंदुरुस्ती। माफी चाहता हूँ हकीम तंदुरुस्ती साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस गरीब खाने पर कदम रंजा फरमाया और हमें इज्जत बख्शी। भाई सच्ची बात तो ये है कि हम अपने दवा खाने के अलावा बाहर कोई मरीज देखते ही नहीं, ये तो सिर्फ इस बच्चे के कहने पर हम यहाँ चले आए। बच्चा? कौन बच्चा? अरे भाई हम डीडीटी की बात कर रहे हैं। ओ हकीम साहब, मेरा नाम डीडीटी नहीं, सिर्फ डीडी है। वो डीडीटी तो कीड़े मारने की दवा होती है। भाई कीड़े मारने के लिए हमारा सफूफ कीड़े मार उसका कोई सानी नहीं है। ओए डीडी, इनसे सफूफ लो और बाहर जाके लॉन में छिड़का दो अच्छी तरह। क्यों? हकीम साहब, हमारा जो लॉन है ना, वो कीड़ों मकोड़ों की आमाजगाह बना हुआ है। भाई हमारा सफूफ जो है वो सिर्फ पेट के कीड़े मारता है। माफ कीजिएगा हकीम साहब, मुझसे जरा सफूफ शनासी में थोड़ी गलती होगी। कोई मसला ही नहीं है, हम हर बीमारी का शाफी इलाज करेंगे। हमें यकीन है। ओ हकीम साहब, पट्टी साहब को ना बहुत कमजोरी है, मेरे कहने का मकसद है जरा सा चलते तो सांस फूलने लगता है इनका। ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये बताइए कि इनकी याददाश्त का क्या हाल है? याददाश्त का तो आप पूछ ही ना, मेरी तनख्वाह देना हमेशा ही भूल जाते हैं। अच्छा भाई हम तो चलते हैं फिर। क्यों तंदुरुस्ती साहब? भाई इसलिए कि अगर आप हमारी फीस देना भूल गए फिर क्या होगा? आप यकीन करें, हम भूल कर भी आपकी फीस नहीं भूलेंगे। भाई हम बिल्कुल बेफिक्र हो गए। अब एक काम कीजिए, आप अपनी नब्ज दिखाइए ताकि हम आपका इलाज शुरू कर सकें। जी बिल्कुल बेहतर। नब्ज दिखाइए। ये लीजिए। ओफो रेशमा, जोर जोर से रगड़ना, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जारा बीबी, मैं कौन सा भांग रगड़ती रही हूँ, मैं वैसे भी थक गई हूँ। हाँ तो फिर ऐसा करते हैं कि हकीम साहब से तेरी थकावट दूर करने की दवा बनवा लेते हैं।
हाँ हाँ आप लोगों का काम खत्म होगा तो मेरी बारी आएगी ना। वैसे रेशमा ये मुझे कमाल हकीम साहब लगते हैं। अरे नहीं जारा बीबी ये तंदुरुस्ती हकीम साहब हैं। अच्छा अच्छा ध्यान से रगड़। जारा बीबी वैसे ये दवाई है किस चीज की? ये दवाई स्लिम और स्मार्ट करने के लिए और उसे बकरी के दूध के साथ खाना है। फिर देखना मैं कैसी खूबसूरत और हसीन हो जाऊंगी। अच्छा ये तो अलादीन का चिराग हाथ लगने वाली बात है। हाँ बिल्कुल। मैंने भी ना हकीम साहब से रंग चिट्टा करने वाली दवाई लेनी है। हाँ हाँ ले लेना। हकीम साहब बता रहे थे उनके पास रंग गोरा करने के लिए हर्बल ब्यूटी क्रीम है बट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। कितनी को? ये कोई 15-20 हजार। 15-20 हजार में तो पूरा घर सफेद हो जाता है। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि जी 15-20 हजार में ना पूरे घर की सफेदी हो जाती है, चिट्टा हो जाता है घर। तो थोड़ी सी अपने मुंह पे भी करवा लेना। जल्दी जल्दी पीस, फजूल बातें करा लो बस इससे निकम्मी कहीं की। किस मुसीबत में डाल दिया है? सबसे पहले आप अपना मसला तफसील से बताइए। ओ हकीम साहब कोई एक मसला हो तो बताओ ना। अरे मसला ही कोई नहीं है, आप एक काम कीजिए कि सारे मसाइल जो है ना वो तफसील से बता दीजिए आप। पता नहीं हर वक्त तबीयत जो है ना कौ मौ सी रहती है। आप क्यों हमारी हिकमत को आजमाइश में डाल रही हैं? ये बताइए कि ये कौ मौ कौन सी बीमारी है? वो मैं आपको जरा बताने की कोशिश करती हूँ। मुंह का जायका कुछ बकबका सा रहता है। बकबका सा? ऐवे फिक्का सा, खट्टा सा, बस खट्टा मीठा समझ ले आप। अच्छा एक बात ये बताइए कि आपका मन जो है वो खट्टी चीजें खाने का करता है? ते और मैं तो अचार और इमली के दुश्मन हूँ। तो मतलब ये कि कभी कभार आपको चक्कर भी आते हैं? कोई एक चक्कर पूरा पिंडा लट्टू की तरह घूमता है। ओए, तो भाई इसका मतलब ये है कि आपकी आंखों के सामने अंधेरा भी आता होगा। हाँ किम साहब जो आंखें बंद करती ना आंखों के सामने अंधेरा पाया जाता है। मेरा मतलब ये कि खुली आंखों के सामने अंधेरा कब आता है? जब रात को बिजली चली जाती है। भाई आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही। अच्छा एक बात ही बताइए कि कभी आपको अपने शोहर पर गुस्सा आता है? उन पे गुस्सा क्यों आना है? कभी कभी वो छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें देखने का दिल करता है? और नहीं हकीम साहब मैं आपको बताती हूँ दिल जो कौमो करता है ना वो खाने के कांटे भरने की वजह से करता है। ये तो मसले कोई नहीं। भाई हम आपको जाफरानी फक्की तैयार करके देंगे। बस हकीम साहब मेरे गोडे गिट्टों का भी कोई इलाज कर देना आप। मसले ही कोई नहीं है, इसका भी इलाज हो जाएगा आपका। ये क्या बदतमीजी है? ओ पट्टी साहब ये सवाल तो मैं आपसे पूछने लगा था। ओए डीडी तुम्हें क्या पता है, हकीम साहब की पहली पुड़िया नहीं कमाल कर दिया है। अच्छा तो आप नाचकर खुशी का इजहार कर रहे हैं? नहीं चलिया मैं तो अपने ऊपर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब? मतलब ये के बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। पट्टी साहब मैं फायर ब्रिगेड को ला लूं? और नहीं चलिया अब तो डांस करने से भी मेरी सांस नहीं फूलती। पट्टी साहब ये तो बहुत अच्छी बात है। चल फिर कर हाँ जरा ऑन। बाबुले सी रेशमा बे मले, उड़दले सी रेशमा बे मले, प्यादरे सी रे। जारा जारा मैं ना तुझसे एक बात करने आई हूँ। मुझे पता है। क्या? यही कि आपने हकीम साहब से हसीन और जमील होने की दवाई बनवाई होगी। ओ हुसन तो मुझ में कूट कूट के भरा है बल्कि सालम का सालम है। खुशफहमी है आपकी। देख जारा मैं लड़ने नहीं तुझे ना कुछ बताने आई हूँ। क्या? हकीम साहब की बातें सुन सुन कर ना मेरी तो अद्धी जान निकल गई हुई है। भाभी कभी तो कोई काम पूरा भी कर लिया करें आप। ये मतलब है तेरा? मेरा मतलब है हकीम साहब ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं मेरे गुर्दे ना फेल होने वाले हैं। आप क्लास में तो बार बार फेल हुई है ना, तो फिर गुर्दे फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा मैं तेरे ले लूंगी। क्या? तुम जड़ी जानो तुमने जी के क्या करना है, मैं तो कार के रिश्ती वाली हूँ ना। देख ले भाभी लड़ने की बातें कौन कर रहा है। अच्छा नहीं करती तुम ना मेरे लिए दुआ करना। भाभी आपको इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अभी तो आपने मेरी शादी पे भंगड़ा डालना है। हाँ जी उम्मीद पे दुनिया कायम है, चमड़ा रह दरख्त से उम्मीद है फ्रूट रख। वाह भाभी अब मेरा ख्याल है कि आप वसी शाह के कलाम को पंजाबी में तर्जुमा कर दे। हाँ, तर्जुमा करने से बेहतर है कि मैं अपनी किताब छपवा लूँ। शायरी की? नहीं नंद गली दा गंद। भाभी ये मैं तुझे थोड़ी कह रही, ये तो यू नो मैंने अपनी बुक्स का नाम रखा है। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी।
भारी पता नहीं किस काम डाल दिया, ये डीडी भी पता नहीं कहाँ मर गया, मेरी मदद ही नहीं कर रहा। आ जा डीडी ने तुझे बताती हूँ, खुद जड़ी बूटियों से पता नहीं कितना स्मार्ट और सेम है। लगता है कि आज सारा दिन आपका इस दवा की रगड़ाई पर लग जाएगा। हाँ जी क्या करें, मुलाजिम जो ठहरे। भाई हमारे ख्याल में तो आप मुलाजमा हैं। एक ही बात है, मुलाजिम हो या मुलाजमा, काम तो एक ही है ना। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए कितनी देर हो गई? जब से आप आए ना यही खज्जल हो रही है। हमारा मतलब ये कि आपको इस घर में काम करते हुए कितना अरसा हो गया। अच्छा क्यों, आपने मुझ पे टैक्स लगाना है? वैसे आपके लिए ना मेरे पास एक बहुत अच्छी ऑफर है। अच्छा क्या हकीम साहब? भाई हमें अपने मतलब के लिए एक औरत की जरूरत है। हाँ तो औरत ढूंढे ना, मैं तो लड़की हूँ। मेरा मतलब ये कि हमें अपने तंदुरुस्ती दवा खाने के लिए एक लड़की की जरूरत है। रहने दीजिए, एक दिन में दवाइयाँ कुट कुट के ये हाल हो गया, वहाँ तो रोज ही ये काम करना पड़ेगा। भाई हमें एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। ना जी ना, नाम ही इतना औखा है तो काम कितना औखा होगा। ना ना, अरे कोई मुश्किल काम नहीं है, हम आपको बताएंगे ना। नहीं जी रहने दे रहने दे, मैं जहाँ हूँ ना वहीं सही हूँ। जाऊँ सही हूँ ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। लवी आलिया, मैं तो हकीम तंदुरुस्ती का गर्विंदा हो गया। भट्टी साहब मुझे लग रहा मेरे भी गोडे गुटे ठीक हो गए ने, और मुझे लगता है कि मेरे ना गुर्दे भी पास हो जाएंगे, चाहे रियाती नंबरों पे हो। लवे मुझ जैसा मशहूर और मारूफ एक्टर हकीम साहब का फैन हो गया, आज के बाद इस घर में वही होगा जो हकीम साहब कहेंगे। उनको कहना हमें पुत्र हो, मुझे ना पुत्र की बड़ी ख्वाहिश है। और पागले पुत्र भी अल्लाह दे देगा, तुम में से नहीं तो किसी और में से हो जाएगा। पट्टी साहब ये दसो तुसी इन्ने बेचैन जी क्यों हो रहे हो? आलिया बेगम तबीयत कुछ बेचैन हो रही है, जी चाहता है हवा में उड़ो। लो जी एडे तुसी स्पाइडरमैन। तुम्हें स्पाइडरमैन का भी पता है? मुझे अच्छी तरह पता है कि स्पाइडरमैन हमारे घर रोज आता है। रोज आता है? टीवी पे आता है ना। और टीवी पर तो अब दुनिया मुझे देखेगी, हर ड्रामे में, हर टेली फिल्म में, हर खबरनामे में। पट्टी साहब कोई पुटा सीधा ना कर लेना, पता लगे खबर आज भी रोज आने लग जाओ। ओए मेरी खबरें नेक नामी की होंगी, बदनामी की नहीं। तुम्हें क्या पता पागल औरत, ओ माफ करना आलिया, कि अब मेरा ताबनाक मुस्तकबिल शुरू होने वाला है। पट्टी साहब अल्लाह तुहानू कामयाब करे। जब भी तुम मुझसे बात करती है ना मुझे कोई घबराहट सी शुरू हो जाती, पता नहीं क्यों। तो ना करे ना एक्टिंग, कुछ और कर ले। मैं तो ये कहती दुपट्टे पीको करने की दुकान खोल ले। देख लो तुम खुद मुझे ना औरतों के मीना बाजार में भेज रही हो, बाद में ना कुछ कहना। मेरा ख्याल है हकीम साहब की दवाई से वैसे कभी कभी ना अजीब सी बेचैनी सी होती है, कुछ होता है। वो बात यह कि ये गर्म और खुश्क होती है ना तो तबीयत जरा सी बेचैन हो जाती है। मेरा ख्याल है यही बात है ना। हकीम साहब भाभी कह रही थी कि उनको गुर्दों का मसला है। अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है, और अगर मसला होता भी तो कोई मसला नहीं होता। क्या मतलब? भाई हिकमत को हिकमत इसीलिए कहते हैं, इस तरीके इलाज में कहीं ना कहीं हिकमत छुपी हुई होती है। मैं समझी नहीं। अब वो इस बात से परेशान होंगी, और परेशानी जो है वो वजन कम करने का सबब बनेगी, और वजन कम होने से वो स्लिम हो जाएंगी, स्मार्ट हो जाएंगी। ये हुई ना हिकमत की बात। तो फिर आपने मुझे क्यों स्लिम और स्मार्ट होने की दवा दी? भाई देखे ना, अब हम आपसे झूठ तो नहीं बोल सकते ना। क्या मतलब ये कि देखिए हिकमत में हर किसी का इलाज जो है वो झूठ से नहीं होता। मुझे तो आपके सच झूठ की बातें ही समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप। ओ डीडी, ओ डीडी। ओए पति साहब आपके तो कान भी लाल हो रहे हैं। ओए कान को छोड़ो, यहाँ तो जान के लाले पड़े हुए हैं। क्या हुआ बेगम साहबा को? गोली मारा बेगम साहबा को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ओ साहब जी ये प्यार से आप जान जान तो बेगम साहबा को ही कहते हैं। क्या मतलब? तुम छुप छुप के हमारी बातें सुनते हो? और ना पट साहब छुप के नहीं सुनता, वो चलते फिरते अगर कान में आवाज पड़ जाए तो फिर एक अलग बात है। डीडी मेरा कुछ कर डीडी। पट्टी साहब मैंने क्या करना है, एक काम करते हैं, चल के हकीम साहब से पूछते हैं आपको कौन सी दवा दी है। वो चला मेरे साथ, आ जल्दी आ, आ जा। आओ तुम बात करते हैं। ओ हकीम साहब, ओ हकीम साहब आपने पट्टी साहब को कौन सी दवा दी है? क्यों भाई हमारी दवाई ने क्या असर नहीं किया? असर को तो छोड़े हकीम साहब, मैं आपकी ये हालत हमारी दवाई के मुजर्रब होने का मुंह बोलता सबूत है। हकीम साहब मुझे ये बताएं कि इस दवाई का कोई तोड़ भी है कि नहीं? तोड़ तो कोई नहीं है, बस वक्त के साथ साथ दवाई के असर खत्म हो जाएंगे। और डीडी
ले जाओ इस नीम हकीम के बच्चे को कहीं। नहीं जी इसकी कोई बात नहीं, आप हमारी फीस दे दीजिए, हम खुद तशरीफ ले जाएंगे। फीस तो तुम्हारी मैं देता हूँ अभी तुम्हें। भट्टी और डीडी।